और बात करेंगे धमतरी की, जहां नक्सलियों ने पेड़ काटकर सड़क स्वाम कर दिया, उससे धमतरी गरिया बंद रोड पर स्वाम लग गया। पुलिस आवागमन बहाल करने में लगी हुई है। नक्सलियों ने 30 अगस्त को हुई मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए विरोध में धमतरी और गरियाबंद जिले में 24 घंटे का बंद बुलाया है। उन्होंने जनता से फर्जी मुठभेड़ का विरोध करने की अपील भी की है, जबकि पुलिस का दावा है कि नगरी थाना क्षेत्र के खोड़ा गांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में एक नक्सली रवि उर्फ मलेश कुंजाम को मार गिराने का दावा भी पुलिस ने किया था और नक्सलियों ने सीता नदी मेनपुर डिवीजन में बैनर भी लगाए हैं। अभी पिछले 30 तारीख को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एक नक्सली रवि और सन्नू मारा गया था और नक्सली द्वारा उसी के विरोध में यहाँ पर पेड़ काट कर गिरा दिया गया, बैनर लगाया गया है। हमारी पुलिस टीम पहुंच चुकी है और BDS टीम को बुलाया जा रहा है। आसपास के एरिया का सर्च करेंगे, उसके बाद आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।